अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलिए आज कुछ खास करते हैं। आज मैं बनाऊंगी, सभी का फेवरेट होता है, टी टाइम में भी सभी को ज़रूरत पड़ती है, मैं आज बनाऊंगी मिक्स मिक्सचर। ये मिक्सचर बहुत ही जल्दी झटपट बन के तैयार होती है, घर में रखी हुई चीज़ों से बन के तैयार होती है। आप इसे आसानी से घर पर बना लेंगे तो मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बहुत आसान तरीके से घर पे बनाएंगे। चलिए देखते हैं किस तरह बनाते हैं मिक्स मिक्सचर। मिक्स मिक्सचर बनाने के लिए मैं यहाँ ली हूँ, यहाँ एक कप बेसन को छान के ली हूँ। इसे घोल बनाएंगे, इसे बूंदी बनाएंगे। दो तरह के बूंदी में बनाऊँगी। और इसमें ली हूँ एक कप बेसन, इसे भी अलग से इसे आटे की तरह डो बनाकर इसे सेव बनाएंगे। और मैं इस कप से नाप के सब चीज़ मेजर की हूँ। इसी कप से मैं नाप के एक कप चने दाल को मैं 6 से 7 घंटे के लिए इसे मैं भिगा चुकी हूँ। और इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालकर इसे भिगा चुकी हूँ। अब इसे सोडा को अच्छे से मसलते हुए एकदम साफ़ कर लेंगे। पानी एकदम हमारा साफ आना चाहिए, बस इस तरह से हम साफ कर लेंगे। और कुछ मसाले ली हूँ, ये हमारा चाट काला नमक है, ये हमारा पिसी हुई चीनी है। खट्टी मीठी मिक्सचर बनाएंगे। ये हमारा कलर के लिए ये कश्मीरी लाल मिर्च है, और ये आमचूर पाउडर, ये चाट मसाला इसे ली हूँ। ये बोलते हैं इसे मक्के का पोहा, ये किसी भी ग्रोसरी दुकान में आसानी से मिल जाती है, बहुत ही सस्ते में मिलती है। इसे मैं एक कटोरी ली हूँ, और मूँगफली ली हूँ एक कटोरी, और पोहे ली हूँ एक कटोरी, और कुछ ली हूँ कड़ी पत्ते। ये कड़ी पत्ते इसे भी डालने पर इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। ये देखिए 6 से 7 घंटे भीग के तैयार है। ये इसे मीठा सोडा डालने पर ये साइज में पूरा डबल हो चुका है। अब इसे मसल के साफ कर लेते हैं। ये देखिए सारा धुंधला पानी इसे निकल के तैयार कर ली हूँ। ये 4 से 5 बार मैं धो के साफ कर चुकी हूँ। अब मैं इसे छान लूँगी, छन्नी में इसे छान कर इसे एक सूती कपड़े पर इसे बिछा लूँगी। बिछाने पर इसका जो मॉइस्चर है ये सूख जाना चाहिए, एकदम मॉइस्चर नहीं निकलना चाहिए, बल्कि बस इसका जो भीगापन है ये साफ़ होना चाहिए। सूख कर सारा दाल को मैं इसी तरह से छान लूँगी। आप चाहे तो इसमें मूंग की दाल भी ले सकते हैं, या मसूर की दाल भी इसी प्रोसेस में इसे भिगा कर भी जिस तरह से मैं ली हूँ इस तरह से लेना। दाल को छान चुकी हूँ, इस तरह ऐसा इसका सब पानी निकल चुका है। अब मैं इसे एक प्लेट पर सूती कपड़े पर इसे डाल लूँगी, इसे हटा लेंगे और इसे फैला लेंगे। इसे ज़्यादा टाइम नहीं रखेंगे, बिल्कुल इसे हमारा जो मिक्सर का प्रोसेस है उसे करने तक इसका मॉइस्चर निकल जाएगा, तभी इसे 15 से 20 मिनट में इसमें ये बन के तैयार हो जाएगा। अब इसे हटा लेती हूँ। एक कप बेसन जो मैं ली हूँ इसमें एक घोल बनाऊँगी। इसमें 2 पिंच डालेंगे हींग। हींग डालने पर इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और मैं डाल लूँगी इसमें 1 चम्मच तेल, और डाल लूँगी नमक। नमक अपने स्वाद के हिसाब से लेना। ये सेव बनाएंगे, इसका घोल बनाएंगे बस इसमें, और कुछ नहीं डालेंगे, बस इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल बनाएंगे। इस तरह से ये हमारा बैटर बनकर तैयार है। इस तरह से चाहिए, और पतला नहीं करेंगे कि और गाढ़ा नहीं होना चाहिए। इस तरह से इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करके इसमें कलर मिला लेते हैं। 2 हिस्सों में डिवाइड कर चुकी हूँ। मैं इसमें डाल लूँगी एक ग्रीन फूड कलर, और इसे मिला लूँगी। इस तरह से करने पर, आपके पास लिक्विड हो तो लिक्विड डाल लेना। इस तरह से करने पर हमारा मिक्सचर सुंदर दिखेगा। देखिए ये हमारा नेचुरल कलर रहने दीजिए। ये 2 कलर का मैं बूंदी के लिए तैयार की हूँ। बनाने के लिए इसमें भी 1 कप में बेसन ली हूँ। बस इसमें नमक ऐड करेंगे और कुछ नहीं, बस इसमें इस तरह से इसे मिला लेंगे।
बस इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक डो बनाएंगे। इसमें भी दो बूंद तेल ऐड कर लेंगे, एक चम्मच बस। इसमें अब मिला लेंगे, तेल डालने पर बहुत अच्छा खस्ता बनती है। और थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो बनाएंगे, एकदम टाइट डो नहीं बनाएंगे, स्मूथ डो बनाएंगे, क्योंकि वो मशीन में जो हम सेव का मशीन होता है उसमें निकलने पर ज़्यादा टाइट होने पर वो नहीं निकल पाता सही तरीके से। बस थोड़ा स्मूथ होना चाहिए, बस उस तरह से बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा डो बन के तैयार है। मैं अब इसे साइड में रख लेती हूँ। मेरे पास इस तरह से मशीन है, मैं इस तरह का मशीन नहीं हूँ। ये पतले वाली सेब की जाली होती है, आपके पास जिस तरह से मशीन हो तो उस तरह से लीजिए। बस इसमें तेल ग्रीस करेंगे, यह हमारा डो तैयार है। इसे मैं दो भागों में डिवाइड कर लूँगी, क्योंकि इसे पतले सेब में आधा ऐसा पतले सेब बनाएंगे और इस तरह से मोटे सेब भी थोड़ा बना लेंगे। इसे क्या करेंगे, इसके अंदर में डाल लेंगे। इस तरह से तैयार कर लेंगे। गैस पे रख दी हूँ यह कढ़ाई, इसमें तेल गरम करने रख चुकी हूँ। अब मैं इसी झारे से मैं बूंदी बनाऊंगी। अब देख लेते हैं कि तेल हमारा गरम हो चुका है। मैं अब डाल लेती हूँ ग्रीन वाला बैटर जो है उसे मैं डाल लेती हूँ, इसी से तैयार कर लूँगी। ये अपने आप नीचे आ जाएगा, इसे झटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इसे मसलते जाना है। ये देखिए कितनी गोल गोल हमारी बूंदी बन के तैयार हुई है। ये जब आवाज़ करने लगे पता चल जाएगा ये बन के तैयार है। ये आवाज़ नहीं करने पर इसे मत निकालना, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होकर अच्छा नहीं लगेगा ये मिक्सचर में। ये छन छन से आवाज़ आने लगेगी, बस ये बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये बन के तैयार हो चुका है। आवाज़ सुन रहे हैं किस तरह से बन के तैयार हुई है, कितनी गोल गोल बनी है बूंदी। देखिए मैं इसे निकाल लेती हूँ, आवाज़ से पता चल गया होगा कितनी क्रिस्पी बनी है। इसी तरह से दूसरा बैच भी डाल लूँगी। इसी तरह से दूसरा बैच भी बन के तैयार है, और एक मिनट इसे पकने देते हैं। ये दूसरा बैच भी बन के तैयार हो चुका है, अभी इसे भी निकाल लेते हैं। गैस को एकदम हाई फ्लेम पे मैं पकाई हूँ। इस तरह से इसे निकाल लेंगे, और जो नेचुरल कलर का है उसे भी बना कर तैयार कर लेंगे। मैं क्या करूँगी, ये जो नेचुरल कलर का बेसन बना के रखी हूँ इसे मैं इस तरह से बूंदी बनाएंगे। ये देखिए ये एक मिनट हो चुका है, ये बनके भी तैयार है, इसे भी निकाल लेती हूँ। ये दो किस्म का बूंदी बनकर मैं तैयार कर ली हूँ। अब मैं डाल लूँगी सेब। सेब को तैयार करके रखी हूँ, इस तरह से प्रेस करते हुए इसके गोल घुमा लूँगी। इसे थोड़ा पकने देते हैं।
देखिए सेब हमारा बन के तैयार हो चुका है। मैं निकाल चुकी हूँ। इस तरह से सारे सेब का बना लेंगे। सेकंड बैच भी इस तरह से बन के तैयार है। देखिए इस तरह से सारे सेब को बना के तैयार कर लूँगी। ये देखिए ये पतली वाली सेब बन के तैयार है और मोटी सेब को उसी प्रोसेस में मैं डाल दी हूँ। ये थोड़ा मीडियम आँच में हम करेंगे इसे। इस तरह से इसे भी थोड़ा बना लेंगे। देखिए दाल हमारा इसका मॉइस्चर जा चुका है। अब मैं इसमें इस तरह से छान लूँगी इसे। मीडियम हाई फ्लेम में, ये बहुत तेज़ गर्म है, इसमें मैं छन्नी में रख के आहिस्ता आहिस्ता इसे डाल लूँगी, वरना इसका झाग अपने ऊपर भी आ सकता है। इस तरह से आप डाल लेंगे और इसे अपने आप और ऊपर तैरने लगी, इसका झाग ख़त्म हो जाएगा, तब हमारा ये बन के तैयार हो जाएगा। मोटी वाली सेब भी बन के तैयार है, इसे मैं साइड में रख लेती हूँ। इसका झाग ख़त्म होने दीजिए, इसे अब निकालेंगे। इसका सारा झाग ख़त्म हो चुका है, अब मैं इसे निकाल लूँगी। ये देखिए कितना बढ़िया आवाज़ आ रहा है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। इस तरह से सारे चने दाल का छान के तैयार कर लूँगी। सारे चने की दाल छान के तैयार हो चुके हैं। कितनी क्रिस्पी बनी है, कितनी फुली फुली, सारे दाल एक एक दाल हमारा फूल के तैयार हुआ है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना और घर पे आसानी से बनाना इस तरह से मिक्सचर। अब मैं इसमें क्या कर लूँगी, यहाँ पर ये जो चने की दाल हमारा ये गरम है, तो इस टाइम मैं थोड़ा सारे मसाले मिक्स कर चुकी हूँ। इसे थोड़ा मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए ये बहुत गरम है, इसमें थोड़ा मसाला डालने पर ये थोड़ा मसाला लपट जाएगा इसमें। इस तरह से थोड़ा मसाले ऐड करके तैयार करी हूँ। ज़्यादा मैं तीखा नहीं करी हूँ, ये खट्टी मीठी बन के तैयार होगी। इसमें साइड में रख लेती हूँ। अब मैं ये जो मक्के का पोहा है इसे मैं छान के तैयार करूँगी। ये फौरन बन के तैयार हो जाती है। ये देखिए बस इसे निकाल लेना है। मक्के के पोहे बन के तैयार हैं। अब मैं इसे ये पोहा डालूँगी या चूड़ा आधा डालूँगी, बस दो हिस्सों में इसे कुक कर लेंगे। तेल अच्छा गर्म हो चुका है, सेकंड बैच में मैं डाल लूँगी। देखिए ये मक्के का पोहा है और ये पोहा है, ये चूड़ा है। इसमें भी गरम गरम में थोड़ा मसाला ऐड करूँगी। गरम में मिलाने से थोड़ा मसाला उसमें चिपक जाता है। अब मैं इसे क्या करूँगी, पतले पतले स्लाइसेस में नारियल कट के लिए हूँ, इसे भी थोड़ा लाल कर लूँगी। देखिए नारियल हमारा लाल हो चुका है। इसमें देखिए इस तरह से कलर होने पर इसे निकाल लेंगे और मैं इसमें डाल लूँगी मूँगफली। मूँगफली फ्राई करना नहीं है, पर इसे बस थोड़ा सा सेकना है, थोड़ा कलर चेंज हो जाने पर इसे निकाल लेंगे। एक से दो मिनट हो चुके हैं, अब ये मूँगफली हमारे बन के तैयार हैं। इसे भी निकाल लेती हूँ। ये मूँगफली बन के तैयार हैं। देखिए मैं इसे कड़ी पत्ते ऐड करूँगा। अब मैं इसे थोड़ी काजू और किशमिश को भी फ्राई कर लूँगी। इसी समय गैस कर दी हूँ बंद। मैं इसे निकाल लूँगी। इसे इस तरह से निकाल लेंगे। काजू और किशमिश को इसे फ्राई करके निकाल ली हूँ। अब मैं सारी चीज़ें बन के तैयार हैं। अब ये जो सेव है इसे आहिस्ता आहिस्ता तोड़ लेंगे। इस तरह से मसलते हुए इसे तोड़ लेना। इसे तोड़ ली हूँ। अब मैं इसे मोटे वाले जो सेब है उसे भी तोड़ के तैयार कर लूँगी। इस तरह से इसे भी तोड़ लेंगे। बहुत क्रिस्पी बन के तैयार हुई है। मोटे वाले सेब जो है इसे भी तोड़ के तैयार कर ली हूँ।
अब मैं इसे मिला लेंगे सारे चीज़ों को। इसे मसाले थोड़ा ऐड करती हूँ मैं, अब डाल लूँगी इसे मोटे वाले से है। इसमें मैं डाल लूँगी ये चने दाल। बर्तन मेरा छोटा था इसलिए मैं एक भगोना ली हूँ, सारी चीज़ें का ऐड कर लूँगी। ये जो बूंदी है इसे भी डाल लेंगे। सब चीज़ें बहुत अच्छी क्रिस्पी बन के तैयार हुई है। ये जो नारियल है इसे भी डाल लेंगे। ये मूंगफली इसे भी डाल लेंगे। काजू और किशमिश इसे भी ऐड कर लेंगे। कड़ी पत्ता डालने पर इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है, इसे भी डाल लेंगे। और कुछ मसाले हैं इसे भी डाल के तैयार कर लेंगे। अच्छी नमकी बनकर तैयार हुई है। आप भी घर पर इस तरह से बनाकर खाना घर से बना के एक बार खा लेंगे, बाहर के खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इस तरह से मिला लेंगे। पता चल गया होगा कितनी क्रिस्पी बन के तैयार हुई है। आपको मैं पास से भी दिखाती हूँ, ये देखिए मैं। आई होप मेरी आप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब करके जाना। और मैं चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो पर, इसे मैं परोस के दिखाती हूँ। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।